राजनगरी आगरा में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 व संगत नियमावलियों के अस्तित्व को यथावत रखने के संबंध में ज्ञापन दिया। प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 की भांति सेवा सुरक्षा का प्रावधान न किए जाने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने 18 मई को धरना प्रदर्शन करने की बात भी कही। ज्ञापन एक्चुअली जो इनकी मूल समस्या है, हमारे यहाँ नया जो चयन आयोग गठित हुआ है उसमें जो नियमावली में कुछ संशोधन जो हुए हैं उसके संदर्भ में इनका एक विरोध प्रदर्शन है या विरोध है कि इसमें जो कुछ धाराओं को संशोधित किया है उन्हें यथावत रखा जाए। संदर्भ में कुछ बात इसमें कही गई हैं, कुछ जैसे धारा 31 है और धारा 21 है। तो अब धरने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। इस संदर्भ में जो है हम बात ये कह रहे हैं कि जैसे DIR साहब जो है इस संदर्भ में अनुमति देते हैं तो उनसे थोड़ा बातचीत किया जाएगा, क्योंकि मैं अभी इंचार्ज के रूप में हूँ यहाँ पर, तो अपने सीनियर से भी बात करेंगे। चयन बोर्ड जो नया बनाया गया है इसमें शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की सुरक्षा संबंधित धाराएं जो पूर्व बोर्ड में थी, बेसिकली धारा 12, धारा 18 और धारा 21, इनको नए चयन बोर्ड में हटा दिया गया है। तो हम प्रधानाचार्य परिषद की मांग है कि नया जो आयोग बना है इसमें भी ये धाराएं यथावत रखी जाए। इसी संबंध में ज्ञापन दिया गया है। DIR साहब नहीं है तो GIC के प्रिंसिपल साहब को 18 तारीख को धरना देने वाले हैं। अभी हमारे जो जिन पे चार्ज है DIR साहब का, तो उन्होंने बताया DIR साहब हैं नहीं। वैसे हमारे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान में ये धरना दिया जा रहा है और इसमें संख्या पहले तो हम लोग वार्ता करते हैं उनसे, DIR साहब से, जो हमारी समस्याएं उनको लेकर, और अगर उन समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो हम लोग इस धरने को अनवरत रूप में पूरे प्रदेश स्तर पर, और संख्या 500 तक पहुँच सकती थी, क्योंकि मथुरा से, फिरोजाबाद से और अलीगढ़ से, कानपुर से सारे प्रधानाचार्य आगरा को लेकर बहुत ही परेशान है। आगरा में एक सस्पेंशन की, टर्मिनेशन की झड़ी सी लग गई है, और जो भ्रष्टाचार आगरा जनपद में, मैं समझता हूँ प्रांत के किसी भी जनपद में नहीं होगा। आपने ज्ञापन दिया है कि इस विषय में जो अभी जो ज्ञापन हमने दिया है ये तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसने 2023 में एक विधेयक लाए हैं। उस विधेयक के तहत जो प्रिंसिपल और शिक्षकों की सुरक्षा थी, शिक्षा सुरक्षा जो थी वो एक तरह से ख़त्म ही हो गई है। जैसे धारा 18 हटा दी, धारा 18 में एक प्रावधान था अगर कोई प्रधानाचार्य रिटायर्ड होता है तो उसकी जगह सीनियर प्रवक्ता को ही प्रधानाचार्य का पद मिलता था और उसको उसका वेतन मिलता था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। लेकिन अब जो विधेयक आया उसमें उसको वेतन नहीं मिलेगा और वो धारा ख़त्म ही कर दिए। और लेकिन अब वेतन नहीं मिलेगा तो कोई इस पद को लेने के लिए इच्छुक भी नहीं होगा। इसी तरह से धारा 21 जो थी, धारा 21 में किसी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता था, ना किसी का वेतन काटा जा सकता था, ना किसी को पदच्युत किया जा सकता था और ना उसकी परलब्धियों में कोई कमी की जा सकती थी। तो इन्होंने क्या किया है, वो धारा 21 में परिवर्तन कर दिया है, उसकी पावर दे दी है JD को। अब JD से अगर अनुमोदन होगा तो JD तो राजनीतिक दबाव में रहता है, स्थानीय दबाव में आके वो तो इसमें प्रधानाचार्यों के, शिक्षकों की जो अभी जो स्थिति है उससे बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये धारा जो हटे नहीं। DG महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवाने की रिपोर्ट।